आज विज्ञान भवन के अंदर बाबा साहब के संविधान पे बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं होंगी हमारे बीच में, जिन्होंने समाज के लिए तन मन धन से लगातार काम करते आ रहे हैं और अपने साथ बहस के मुद्दे भी और बाबा साहब के संविधान पे बहुत विस्तृत जानकारी भी दी। सर, आपका एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आज का जो ये कार्यक्रम है, दो दिन का कार्यक्रम है, मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो सारा देश ही कल सुप्रीम कोर्ट ने और पहले भी 25 तारीख को भी ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान सौंपा था उसको मनाने के लिए और ये देखने के लिए कि हम कहाँ, उन्होंने क्या सोचा था और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्या उनकी जो सोच थी, उनका जो ज़िंदगी का निशाना था कि हमारा देश में सभी लोगों को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी मिले, क्या लोगों को मिल गई है, ये हमने सोचना है। इसलिए हम ये आज भी जो है ये यंग फोरम एसटी यंग फोरम की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो हम वहाँ यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक बार नहीं हज़ार बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे बहुत से लोगों को, हमारे लोगों को ये संदेश दिया कि हम हवानों की ज़िंदगी से इंसानों की तरह कैसे जी सकते हैं, और उन्होंने बेस जिसको माना वो था एजुकेशन। लेकिन हम जैसी चाहे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मन में था, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी के मन में था, जो सर्वबली अपने राधा किशन जी के मन में था, आज वो एजुकेशन हम लोगों को दे नहीं सके जी। क्यों, हम चाहते हैं कि देश के सभी बच्चों को, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो CBSE रन स्कूल में पढ़े, चाहे वो ICSE रन स्कूल में पढ़े, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन होने चाहिए, ताकि ये नहीं कि जो CBSE रन स्कूल में और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनका सिलेबस, उनका कैरिकुलम, उनकी जो सुविधाएँ हैं वो अलहदा हों, ज़्यादा हों, और जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ एक टीचर हो और उसके लिए कुछ सोचा ना जाए। हम चाहते हैं कि पंजाब की सारे देश की सरकारें जो हैं, वो सेंटर की सरकार, देश की सरकारें जितनी भी हैं, वो एजुकेशन पर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सबसे बेसिक सिद्धांत माना था कि किसी देश की तरक्की के लिए, किसी कौम की गुलामी को दूर करने के लिए अगर कोई है, अनपढ़ता अज्ञानता को दूर करने के लिए कोई कारगर तरीका है, कोई कारगर हथियार है, तो वो है एजुकेशन। इसलिए मैं चाहूँगा कि देश की सरकारों को ये एजुकेशन पर इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इस आधार पर स्कीमें बनानी चाहिए, चाहता जो हमारा देश दुनिया का महान देश बन सके।